ये एंट्रेंस एग्जाम वैसे भी एक थप्पड़ है स्टूडेंट्स के मुंह पर, कितना भी पढ़ लो वो एक दिन वो एक पेपर डिसाइड करेगा आपकी पूरी लाइफ। और जिस देश में करोड़ों स्टूडेंट्स एंट्रेंस एग्जाम में बैठे हैं और आप उनको कुछ हजार सीट दे रहे हैं, वहां आप क्या डिजर्विंग झंडा लिए फिर रहे हैं? हा? वो जो हजारों पास नहीं हो पाए वो क्या अनडिजर्विंग है? कल को आपकी सीटें बढ़ जाएंगी, वो ही अनडिजर्विंग स्टूडेंट्स मेरिट वाले बन जाएंगे। उन्हें बना पाते हो आप कंपीट करने लायक? बेरोजगारी का मंजर कुछ इस कदर था, बेरोजगारी का मंजर कुछ इस कदर था, अपना पैसा जैसे पराए घर में था। रोजगार तो हमारे पास भी था मगर नेताओं के वादे जैसा, कभी भरपेट होता तो कभी अधूरे जैसा। क्या वोट देने का यही नतीजा होता है? क्या वोट देने का यही नतीजा होता है? गरीब का बच्चा आज भी भूखा सोता है। क्या वोट देने का यही नतीजा होता है? गरीब का बच्चा आज भी भूखा सोता है। हाय गाइज, वेलकम बैक टू द चैनल। होप करता हूँ आप सारे ठीक होंगे और एकदम मस्त होंगे। तो यार आज का सीन कुछ ऐसा है कि अभी बज रहे हैं सुबह के अप्रॉक्स आपका 9:55 और ये जो वीडियो है ना ये बहुत ही ज़्यादा सीरियस और एक बहुत ही खास मुद्दे के ऊपर होने वाली है, तो इस वीडियो को पूरा देखना। तो आप लोग को पता है कि यार कुछ दिनों पहले आपका जो हमारा उत्तराखंड है, उत्तराखंड में कई जो भर्तियाँ हो रही थी, भर्तियाँ जो पहले हो चुकी थी उनको रद्द कर दिया था। तो उसके पीछे क्या कारण था कि कुछ हमारे जो आयोग में बैठे हुए ना, UK SSSC आयोग में बैठे हुए लोग हैं, वो कुछ भ्रष्टाचार अपना दिखा रहे थे। तो वहाँ पे वो जो बैठे हुए भ्रष्टाचारी लोग थे उन्होंने आपका घुसखोरी करी और आपका भर्ती घोटाला हो रहा है। उसी सिलसिले में आज पिथौरागढ़ में जो आपका रामलीला ग्राउंड है उसके ठीक सामने आपका जो नगर पालिका है वहाँ पे को पिथौरागढ़ जो बेरोजगार संगठन है उनकी तरफ से एक रैली, यानी कि जो युवा आक्रोश रैली है, उसका आयोजन होने जा रहा है, जो कि आपका जिला अधिकारी कार्यालय तक, यानी कि जो हमारे DM सर है उनके कार्यालय तक होने वाली है। और इसमें जाँच चल रही है, ये मांग रहेगी कि जो ये जाँच है ये आपका CBI को सौंपी जाए। तो इसी सिलसिले में आज की ये वीडियो होने वाली है। तो अभी मैं काफ़ी ज़्यादा लेट हो गया हूँ, 10 बजे तक हमको पहुँचना था, तो जल्दी से चलते हैं और आप लोग को दिखाते हैं। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं और देखते हैं आज क्या होता है, लेकिन कुछ ना कुछ बवाल जरूर होगा। सो फाइनली गाइज, अभी टाइम हो रहा है आपका 11:30 के आसपास और रवि भाई हमारे साथ आ चुके हैं और जो रैली है वो स्टार्ट हो गई है। तो अब आप लोग को दिखाते हैं डायरेक्ट रैली क्यों। तो फाइनली यार हम तो थोड़ा लेट हो गए, लेकिन जो रामलीला ग्राउंड से रैली शुरू होनी थी वो हो चुकी है। सामने आप लोग देख सकते हैं यहाँ से पूरा अभी ये जा रही है आपका मेरे ख्याल से सिमलगेर मार्केट से होते हुए नीचे को। अभी हम लोग को पहुंचने वाला आपका जो सिमलगेर मार्केट है वहाँ पे को, और पीछे आप लोग देख सकते हैं यहाँ से रैली स्टार्ट हो गई और हर छात्र की है यही पुकार, CBI जांच की बात। शाबाश बेटा, बहुत बढ़िया मुन्ना। तो यार जो अभी रैली है ना वो आपका सिलथाम पहुंचने वाली है। तो यार आप लोग देख सकते हैं मतलब हमारे जो युवा साथी हैं उनमें कितना ज्यादा आक्रोश है और एक से बढ़कर एक नारे लगाए जा रहे हैं और अभी जस्ट हम लोग पूरा राउंड में घूम रहे हैं। तो रैली जो आप लोग देख रहे हैं वहां से पूरा इतने लॉन्ग टर्म में फैली हुई है, बहुत लंबी रैली है। देखिए उतारे सरकार ने अपना रेट लिस्ट
पटवारी के कितने? 2 लाख? 20 लाख? ऐसा ही 25 लाख? बना रखी तुम्हारा 15 लाख। आइए आइए बिल्कुल। जो भी उत्तराखंड में भ्रष्टाचार है उसको खत्म करने की एक सोच लेकर इस रैली को आगे बढ़ा रहे हैं। तो यार फाइनली अभी हम लोग पहुंचे हैं आपका जो हमारे डीएम सर है उनके कार्यालय में। तो जो हमारी रैली है वो अभी जा रही है अंदर। ये है आपका जो हमारे जिला मजिस्ट्रेट का कार्यालय। तो जिला अधिकारी कार्यालय वहां से घूमते हुए यहाँ पे कोई एक रामलीला ग्राउंड है वहां पे कोई जा रही है। पूरे जितने भी लोग देख सकते हैं आप लोग यहाँ पे सारे बैठे हुए हैं। अब देखते हैं यहाँ पे वो क्या डिसीजन जो है वो निकलता है। तो फाइनली यार अभी हम लोग पहुंचे आपका जो धरना स्थल है। ये युवा साथी लोग थे वो सब लोग पीछे बैठे हुए हैं। अब देखते हैं यहाँ पे को क्या जो है डिसीजन लिया जाता है। और यहाँ पे हमारे साथ दादा लोग हैं। तो क्या क्या चला था भाई? और इस बारे में आपका क्या कहना है, मतलब जो भ्रष्टाचारी हो रही है समाज परिवार का जो व्यक्ति है, समाज परिवार का जो छात्र है वो 3-4 साल से अपनी पढ़ाई करता है कोचिंग इंस्टीट्यूट में जाके। उसके बाद से जब UKSSC का एग्जाम होता है उसके बाद से कहीं ना कहीं उस युवा का शोषण हुआ था सरकार द्वारा। संगठन एकजुट होकर युवाओं के समर्थन पर सड़कों पर उतरेंगे और सरकार को आईना दिखाने का काम करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। यदि CBI जांच की होती है तो उसका नतीजा तो कोई लेकर नहीं निकलेगा, क्योंकि CBI की ओर और भी जनता पार्टी सरकार की विजय का बैठा हुआ बोलता बन के रह गई है। तब तक हम इस सरकार को गिरा न दें और इन भ्रष्टाचारियों को पटकन ही ना दे दें तब तक हमने हार मानी नहीं है। तो यार अभी यहाँ पे जो था हमारे जो बड़े बड़े दादा लोग थे उन्होंने आपका अपनी स्पीच रखी थी। तो यार जस्ट अभी हम लोग दोबारा से आ गए हैं आपका जो जिलाधिकारी कार्यालय है वहाँ पे, और अभी हम लोग DM सर का वेट कर रहे हैं। वो आएंगे और इसके बाद जो ज्ञापन है वो सौंपेंगे और उसके बाद देखते हैं कि क्या जो डिसीजन निकलता है। ज्ञापन पढ़ा जा रहा है, आप लोग एक बार सुनिए बस। पहली मांग है BDO BPDO स्नातक स्तरीय परीक्षा में पेपर पर बड़े स्तर पर हुई खरीद फिरोख्त को देखते हुए
यथाशीघ्र इस परीक्षा को निरस्त कर पुनः परीक्षा आयोजित की जाए। दूसरा है UK SSC, UK PCS, विधानसभा सचिवालय, सहकारिता विभाग, उच्च शिक्षा, स्वास्थ्य विभाग, AEJEE पंतनगर, STF के पास जांच वाली भर्तियों में भ्रष्टाचार की व्यापकता के अनुसार इसकी जांच उच्च न्यायालय या सर्वोच्च न्यायालय के सिटिंग जज की निगरानी में CBI को सौंपी जाए। चौथी मांग है प्रदेश की सरकारी नौकरियों में उत्तराखंड की महिलाओं को दिए जाने वाले 30% क्षैतिज आरक्षण के दृष्टिगत सरकार सर्वोच्च न्यायालय जाने के बजाय अध्यादेश लाकर उत्तराखंड की महिलाओं के साथ न्याय करें। पांचवी मांग है आयोग द्वारा उत्तराखंड SSS UK PCS की परीक्षाओं का वार्षिक कैलेंडर जारी किया जाए तथा एवं सभी परीक्षाओं को एक ही पाली में आयोजित करवाकर सरलीकरण के कारण विद्यार्थियों को हो रहे अन्याय को रोका जाए। छठी मांग है परीक्षाओं के प्रश्न पत्रों की छपाई का कार्य आयोग के भीतर ही उच्च स्तरीय परीक्षा में किसी विशेष समिति जैसे विजिलेंस की निगरानी में हो। भविष्य में पेपर लीक होने पर आयोग की जवाबदेही तय हो तथा निगरानी हेतु लोकायुक्त को सशक्त बनाया जाए। आठवीं मांग है सभी बैकडोर चोर दरवाजे जैसे विधानसभा कर्मचारी भर्ती से होने वाली भर्तियों व पूर्ण रूप से रोक लगे और हम किसी भी विभाग व स्थायी पद पर होने वाली नियुक्तियों को पारदर्शी व्यवस्था लिखित परीक्षा के माध्यम से संपन्न करने हेतु प्रणाली विकसित की जाए। दसवीं मांग है उत्तराखंड अधीनस्थ सेवा चयन आयोग के अध्यक्ष व सचिव पद पर किसी वरिष्ठ ईमानदार IAS अधिकारी की नियुक्ति की जाए जिसका कार्यकाल 3 वर्ष निर्धारित किया जाए। आयोग के अध्यक्ष व सचिव की नियुक्ति को की पारदर्शिता सबको सार्वजनिक किया जाए। 12वां पॉइंट है पूर्व में सिंचाई विभाग में कनिष्ठ अभियंता सिविल के 228 रिक्त पदों जिसे विज्ञापन से एक दिन पूर्व हटा दिया गया था एवं कनिष्ठ अभियंता यांत्रिक 48 की विज्ञप्ति उत्तराखंड लोक सेवा आयोग द्वारा जारी की गई थी। उक्त विषयक आपसे अनुरोध है कि कनिष्ठ अभियंता सिविल के 228 रिक्त पदों पर भी तत्काल विज्ञप्ति जारी कर अग्रिम कार्रवाई की जाए। सेना में अस्थायी अग्निवीर योजना के बजाय नियमित स्थायी भर्ती सुनिश्चित की जाए। 16वां पॉइंट है स्वास्थ्य व शिक्षा विभाग में रिक्त सभी पदों को तत्काल भरा जाए। 17वां है UK SSS UK PSC द्वारा संचालित सभी आगामी भर्तियों की प्रारंभिक व मुख्य परीक्षा का परीक्षा केंद्र पिथौरागढ़ में करना सुनिश्चित किया जाए। बात है कुछ प्रोसेस होते हैं, कुछ डेकोरम होता है, उसके अकॉर्डिंगली चीजों को सो फाइनली यार जो आज एक बेरोजगार संगठन पिथौरागढ़ की तरफ से जो रैली निकली थी उसका समापन हो चुका है जैसा कि आप लोगों ने देख लिया होगा। अब देखना होगा कि आगे का जो डिसीजन है वो क्या रहता है, अब यहाँ से आगे की प्रोसेस क्या होती है। बस आप लोगों से एक निवेदन, एक उम्मीद है, एक आशा है, एक रिक्वेस्ट है, इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा और उन युवाओं तक पहुँचाइएगा जो कि अभी UK SSS या फिर उत्तराखंड के अंदर किसी भी एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं। तो क्या कहना है आपका? तो मैं तो बस इन शॉर्ट ऐसा कहूँगा कि तेरे भी हमारे युवा देख रहे हैं, युवा साथ शेयर कर दो, शेयर तो कर ही दो। और बाकी ना मतलब ऐसी चीजें हैं कि इस टाइम पे तो फिलहाल अभी हमारे उत्तराखंड सरकार में, क्या पता उत्तराखंड के अलावा किसी और दूसरे स्टेट में भी ऐसा हो रहा हो, आप लोगों को पता ना चल रहा हो, तो आवाज उठाओ फैला दो, भारत के कोने कोने में इस वीडियो को फैला दो, ठीक है? तो क्या अपना व्लॉग बना रहे, चल यहाँ सब्सक्राइब टू मी आल्सो। उम्मीद और आशा है कि व्लॉग आप लोग को पसंद आया होगा। अगर वीडियो पसंद आई तो प्लीज एक लाइक और एक प्यारा सा कमेंट करके जरूर जाएगा, और अगर चैनल पर ये वीडियो पहली बार देख रहे हो तो प्लीज चैनल को भी सब्सक्राइब कर ही लेना। तो मिलते हैं जल्दी ऐसी इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय बाय, टाटा एंड स्टे कनेक्टेड विद नी रच।